हाय गाइज, सिनेमेटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली 2022 का टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। 2022 इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि इस साल हमें ज्यादातर बिग बजट पैन इंडियन मूवी देखने को मिली, वहीं हिंदी बेल्ट के लिए ओके साबित हुआ है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 के हाईएस्ट ग्रोसिंग पैन इंडिया और हिंदी मूवीज के बारे में, जिन मूवी ने इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी छप्पड़ फाड़ कमाई की है, जिनको मैंने उनके बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के हिसाब से अरेंज किया है। तो शुरुआत करते हैं इस साल के हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी से। तो नंबर एक पर है रॉकी भाई, यानी अपने रॉकिंग स्टार यश की केजीएफ चैप्टर 2, जिसमें दिखाया गया है कि रॉकी पूरे केजीएफ पर रूल कैसे करता है। उसे लोग अपना मसीहा मानते हैं, लेकिन उससे केजीएफ को वापस लेने के लिए अधीरा नाम का एक तूफान आता है, जिसे संजय दत्त ने प्ले किया है। ये मूवी फर्स्ट मूवी के मुकाबले काफी अच्छी और ग्रैंड लेवल पर बनाई गई है। तभी तो 150 करोड़ की लागत में बने इस मूवी ने पूरी दुनिया में 1228 करोड़ की कमाई की है। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। नंबर दो पर है एसएस राजामौली डायरेक्टेड आरआरआर मूवी। आरआरआर की स्टोरी सेट है ब्रिटिश एरा में, जिसमें दो फ्रीडम फाइटर्स की कहानी दिखाई गई है, जो अपने अपने तरीके से ब्रिटिश गवर्नर से लड़ते हैं। मूवी को बनाने में 425 करोड़ लगे थे, वही मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1131 करोड़ की धुआंधार कमाई की है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। नंबर तीन पर है PS1, जिसे डायरेक्ट किया है मणिरत्नम सर ने। मूवी की स्टोरी 10वीं और 11वीं सदी के छोले वंश के राजा सुंदर, उनके दो बेटे एक बेटी और राजमहल के अंदर चल रहे षड्यंत्रों की कहानी है। मूवी का बजट 210 करोड़ का है और वही मूवी ने पूरे वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ की कमाई की है। जो भी हो, मैं सिंहासन छोड़ने वाला नहीं हूँ। नंबर चार की मूवी है विक्रम। विक्रम की कहानी ड्रग सिंडिकेट और कुछ पुलिस वालों के मर्डर की मिस्ट्री पर फोकस करती है। सिंपली पुलिस और माफिया के बीच की धड़पकड़ की कहानी है। मूवी 115 करोड़ में बनी है। वर्ल्ड वाइड मूवी ने 425 करोड़ की कमाई की है। नंबर पांच पर है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा मूवी। मूवी की स्टोरी शिवा नाम के एक लड़के पर फोकस करती है, जिसे ब्रह्मास्त्र की पावर मिली है, जिसे पाने के लिए बुरी शक्तियां उसके पीछे पड़ गई है। वहीं ब्रह्मास्त्र को कुछ अच्छी शक्तियों वाले अस्त्र भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मूवी का बजट 315 करोड़ का है, वहीं पर मूवी ने पूरी दुनिया में 412 करोड़ की कमाई की है। कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। तो ये तो थी बिग बजट ग्रैंड स्केल मूवी, लेकिन अगर मूवी का बजट कम हो बट आपके कंटेंट में दम हो, तो मूवी बिग बजट ना हो के भी छप्पड़ फाड़ कमाई करती है। आगे आने वाली मूवी इसके एक एग्जांपल है, जो बने तो कम बजट में है, लेकिन उनकी कमाई कोई बिग बजट मूवी से कम नहीं है। इसकी शुरुआत करते हैं ऐसी मूवी से, जिस मूवी ने अपने यूनिकनेस से पूरे इंडिया में राज किया है। इसका नाम है कांतारा। कांतारा की स्टोरी 1990 की है, जहां एक राजा द्वारा गांव वालों के दिए जमीन को उसके वंशज वापस पाना चाहते हैं। इससे वहां के देवता नाराज हो जाते हैं। इसी के ऊपर मूवी की स्टोरी फोकस करती है। मूवी का कुल बजट है 15 करोड़ का, लेकिन मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार 393 करोड़ की कमाई की है। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। नेक्स्ट है द कश्मीर फाइल्स। इसकी स्टोरी 1990 में कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस पर बनी है, जहां उन पर आतंकियों द्वारा किए जेनोसाइड दिखाया गया है। मूवी का बजट 20 करोड़ का था और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 344 करोड़ की कमाई की है। आजादी इज अ सॉन्ग ऑफ टेररिज्म, इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर। नेक्स्ट मूवी है दृश्यम 2। दृश्यम 2 की स्टोरी विजय और उसकी फैमिली पर फोकस करती है, कि कैसे वो उन सारे इंसिडेंट के बाद वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, लेकिन मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ रही। मूवी में कुल 65 करोड़ रुपए लगे हैं और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 312 करोड़ की कमाई की है। मुझे तो लगा था पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है, वो तो अभी तक छानबीन कर रहे हैं। नेक्स्ट मूवी है भूल भुलैया 2। मूवी की प्लॉट की बात करें तो मूवी की स्टोरी एक महल में मंजुलिका नाम की एक भूतनी पर फोकस करती है, जो लोगों से अपने मौत का बदला लेना चाहती है। मूवी कुल 75 करोड़ की लागत में बनी है और मूवी बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ की कमाई की है। बहुत सी आत्माओं से बात की होगी तुमने, लेकिन मंजुलिका सबसे अलग है रूहान। तो ये थी इस साल के हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज, जिन्होंने इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में धुआंधार कमाई की है। आपको 2022 की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई है, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर।